अरे कितना खतरनाक है। बेहोशी में भी पता है कि परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा था। हालेलुया। तो कैसा था ये? परमेश्वर करके बनाया गया था, पूरी परमेश्वर की बुद्धि इसमें वास करती थी। हालेलुया। और कहां तक आ गया हम देखेंगे आगे। इसके अंदर आत्मा सिंजा परमेश्वर। ये शरीर जो है, ये प्राण जो है, अभी जो बच्चा पैदा होता है, ये बाप और मां से विरासत में मिलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है आत्मा खुदावंद उसी वक्त सिंजा उसको पैदा करता है, उसकी सिंजना करता है, उसे उसमें रखता है, फिर वो एक इंसान की सूरत में इस जहान में पैदा होता है। और इसके आत्मा में परमेश्वर ने विवेक को रखा, यानी कि कॉन्शियस को रखा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसके साथ संबंध रखना था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसके साथ बातें करनी थी। ये विवेक, ये कॉन्शियस परमेश्वर का रखा हुआ एक ऐसा अंग था इसके अंदर कि ये परमेश्वर से कहीं भी हटकर चला जाए उसकी नजर से दूर रह सकता। इसका सीधा सीधा कंसर्न परमेश्वर के साथ ही था, कहीं भी चला जाए। इसलिए दौड़ लिखता है जमीन की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में, पताल की गहराइयों में, आकाश की ऊंचाइयों में, कहीं भी चला जाऊं तेरी नजर मुझ पर रहती है। कहीं भी चला जाए, हम देखते हैं ना कई बार पुलिस वाले किसी गाड़ी में ऐसा सिस्टम फिट कर देते हैं, वो कहीं भी जाएगा उनको सिग्नल भेजा जाएगा ये इस वक्त कहां है। अभी सेम जिनके मोबाइल में है कंपनी के पास जाओ तो वो बता देंगे कि ये लुधियाने के इस इलाके में इस वक्त ये सिम काम कर रहा है। ये विवेक भी जो था ना, ये सिम की तरह था, संबंध किसके साथ है? परमेश्वर के साथ था। जब शरा नहीं आई तो पाप गिना नहीं जा सकता था। लेकिन काइन ने अपने भाई को मार दिया, जब मार दिया काइन ने अपने भाई हाबिल को, तो छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, क्योंकि शरा तो थी नहीं, पाप तो था ही, माना नहीं जा सकता था कि ये पाप है। परमेश्वर के साथ झगड़ा भी किया, क्यों किया? विवेक उसे बता रहा है तूने गलत किया। हालेलुया। इसलिए जो शरा से पहले मरे उनका इंसाफ उनके विवेक के द्वारा किया जाएगा। वो माफ नहीं हो सकते कि हमारी बात तो कानून था ही नहीं। परमेश्वर कहेगा तेरे आत्मा में मैंने विवेक को इसीलिए सिर्जा था कि तू मेरी बातों को समझ सके और ये तुझे ज्ञान दे सके कि क्या भला है और क्या बुरा। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर ने अंतर ज्ञान रखा अपने आप को समझने के लिए कि ये किस तरीके से मुझे समझ सके। हालेलुया। और फिर शक्ति रखी इसके प्राण में, आत्मा की शक्ति है परमात्मा के साथ। हालेलुया। तो किस लिए परमेश्वर ने बनाया? फेलोशिप के लिए परमेश्वर ने इसे पैदा किया। फरिश्तों में कोई ना था जिसके साथ परमेश्वर दिल की बात कर सके, क्योंकि फरिश्तों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खुदा को देख भी सके। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो पाते हैं कि उन्होंने दो पंखों से अपनी आंखों को ढांपा हुआ है, वो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते और बिना देखे वो दिन रात उसकी आराधना करते हैं। वो बनाए गए थे बंदगी के लिए, आराधना के लिए, वर्शिप के लिए, लेकिन ये खुदावंद खुदा ने इसलिए बनाया कि इसके साथ वो संगति कर सके। हालेलुया। लेकिन इसको संगति परमेश्वर के साथ करनी कुछ अच्छी लगी नहीं। और फिर हम देखते हैं जब ये इस तरीके से परमेश्वर ने पैदा किया तो इसे एक जिंदा प्राणी करके इसको खुदावंद खुदा ने बनाया। हालेलुया। इसका विवरण पढ़ते हैं हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 7 वर्ष में कि खुदावंद खुदा ने इसे जिंदा इंसान करके पैदा किया। और फिर देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 8 और 9 वर्ष में परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी। 3रे आकाश से परमेश्वर की हजूरी इसके साथ संगति करने के लिए आती है। कुछ लोग कह देते हैं परमेश्वर आता, परमेश्वर तख्त नशीन है,
वो कभी अपने तख्त को छोड़ता ही नहीं। हालेलुया। इस फान को पत्थर पड़ रहे थे, यीशु मसीह को उसके दाहिने हाथ खड़े हुए देख रहा है, वो तख्त पर विराजमान है। हालेलुया। और जहां भी उसका जिक्र आया वो बैठे हुए का जिक्र आया, अभी तक बाइबल में खड़े का जिक्र आया। तो परमेश्वर की हजूरी आती थी इसके साथ संधि करने के लिए। और इसके सबसे बड़ा रेफरेंस है, इसराइलियों ने तंबू बनाया, पवित्र अति पवित्र स्थान बनाया, वहां पर परमेश्वर नहीं आता था। कौन आता था? परमेश्वर की हजूरी आती थी। यीशु आया, परमेश्वर नहीं आया। पात्र आया, परमेश्वर, लेकिन तीनों है परमेश्वर की। हमारे पास भी बॉडी है, प्राण है और आत्मा है, लेकिन हम इन तीनों को अलग करके दिखा सकते, लेकिन वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी जो है वो इन तीनों को अलग अलग करके पेश करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो वहां पर भी परमेश्वर की हजूरी ही आती थी, परमेश्वर आता। तो जहां जहां लिखा कि परमेश्वर ने उसके साथ दर्शन में बात की, उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं की, परमेश्वर ने सारी को कहा तेरे पुत्र पैदा होगा, अब्राहम को कहा मैं तुझे संतान दूंगा, तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का दूत जो होता है वो परमेश्वर की पावर को लेकर, उसके अधिकार को लेकर आता है। जब वो बात करता है तो परमेश्वर करके ही करता है। हालेलुया। हमारे देश का यदि दूत अमेरिका में जाएगा तो वहां के राष्ट्रपति से जब बात करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे देश के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये संदेश भेजा है, वो कहेगा मैं राष्ट्रपति आपसे कहता हूं, हमारी बात ये है। हालेलुया। तो दुनिया का भी कोई कानून बाइबल से बाहर लिया गया नहीं है। तो जहां जहां परमेश्वर ने बात की है वहां वहां परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर बनकर, परमेश्वर ने आता। बात समझ गई आप? परमेश्वर, परमेश्वर का दूत जब भी आता है वही बात करता है। और यदि परमेश्वर को किसी ने देखा होता तो यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय में लिखने की जरूरत नहीं थी। आज तक जब राइटर लिख रहा है उस समय तक की वो बात कर रहा है, तो उसका मतलब आज भी लागू है। और क्या लिख रहा है? आज तक परमेश्वर को कभी भी किसी ने भी नहीं देखा। तो अब यहां तो यूहन्ना जुड़ हो रहा है, जहां हम ज्यादा कर बंद है, हाँ जी, जहां तो यूहन्ना जुड़ हो रहा है या फिर हम ज्यादा अकलमंद है, क्योंकि वो कह रहा है नहीं देखा, हम लोग कहते नहीं देखा है। तो सारा कलाम पात्र की प्रेरणा से लिखा गया, इसलिए जब वो कह रहा है कि नहीं देखा तो फिर नहीं देखा, आगे और क्लियर करता है यीशु मसीह उसकी सूरत बनकर आया। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। और आगे और ज्यादा चक्कर पड़ जाता है, यीशु मसीह को भी शक्ल सूरत में उसके साथ रहने वाले शागिर्दों ने ही दर्शन में बाद में देखा, और उनमें एक इस्तेफान था जिसने उसको देखा। और यूहन्ना के रेवलेशन के बाद तकरीबन संतों का अंत हो चुका था, और यूहन्ना के बाद आज तक यीशु मसीह को भी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। और यदि कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। यीशु मसीह की 50 तस्वीरें इधर लाकर रख देते हैं, तो बताइए आपको किस रूप में दिया था उसने दर्शन? हाँ जी, तो वो जो विरोधी है वो बड़ा चलाक है, जिस सूरत को आप पसंद करते हो उसी सूरत को धारण करके वो आपके सामने पेश होकर कह देता है आई एम जीसस, मैं यीशु हूं। तो यीशु का अभी दर्शन करने की जरूरत, जब कलाम पढ़ते हैं तो यीशु हमसे बात करता है। हालेलुया। जिसको कलाम पर तसल्ली नहीं उसको यीशु खुद भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए उसको तसल्ली हो नहीं सकती। पलूस को जब दर्शन हुआ तो देखा उसकी तो आंखें अंधी हो गई, जलाल को देखा और आवाज को सुना, तो क्या यीशु उसके सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता था? तो हमको तो यीशु की सूरत का ही पता,
तो श्रीलंका के समय में बहुत सारे लोग गलती में पड़ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसमें सच